ये देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेनर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई, महिलाओं का मालिकाना हक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइस्ट्रो आते हैं, जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सबके लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की यह तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में
सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।